एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बिगनर मेकअप किट शेयर करने वाली हूँ एंड इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया है जो कि एक बिगनर मेकअप किट में होने चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो मेरा जो ब्लॉग चैनल है प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, सो प्लीज़ गाइज उसे भी जाकर के जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे। दोनों का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है वो मेकअप प्रोडक्ट जो कि एक एक मैं करके आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आ रहा हो जो कि है इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल, सो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने मेरे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप लोग जाकर के वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। आईलैशेस देखो ऐसे उतर गई है, बाढ़ करते मेरा आईलैश ग्लू आई डोंट नो कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। तो मैंने इसको किसी तरह अटैच करके रखा हुआ था, तो मतलब कि आईलैश ग्लू के बिना आज मैंने आईलैशेस लगाई हैं, तो आप मुझे यू नो पीठ मेरी थपथपा सकते हैं इस काम के लिए। सबसे पहला मेकअप प्रोडक्ट होता है प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ले लीजिए ये एनवाईबी का प्राइमर। मेरे पास तीन प्राइमर है, हुडा ब्यूटी का है, एक का आपका ब्लू हेवन का है और एनवाईबी का है। मुझे ब्लू हेवन का भी बहुत पसंद है, पर मैंने जितने ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स मैं इसमें इंक्लूड कर सकती थी तो मैंने ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया है। सो प्राइमर के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एनवाईबी का ही प्राइमर आता है, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है एंड काफी अच्छी तरह से आपके पोर्स को ये फिल इन कर देता है एंड आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये एनवाईबी का प्राइमर, आप इसको डेफिनेटली परचेस कर लीजिएगा एंड आई थिंक ये मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। बारी आती है हमारी फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के लिए मेरे पास यू नो 100 से लेकर 750 तक के फाउंडेशन हैं। मेरे पास सबसे महंगा फाउंडेशन 750 रुपीज का ही है, लेकिन मैं जो आपको एक अफोर्डेबल रेंज में आपको सजेस्ट करूंगी और एक आपको अच्छा सजेस्ट करूंगी। तो पहला जो अफोर्डेबल रेंज में है वो है ये एसक्यू का स्टे क्वेरी का लिक्विड फाउंडेशन एनरिच्ड विद विटामिन ई एंड द सेकेंड वन इज मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसमें जो मेरा शेड है वो 230 नेचुरल बफ। सो ये और ये दो फाउंडेशन मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। ये 100 रुपीज़ का आपको पर्पल में मिलेगा और ये आपको 300 रुपीज़ का मिलता है। एंड इसके अगर क्वांटिटी की बात करूँ कि कितने एम एल क्वान्टिटी के साथ में आता है, तो ये 18 एम एल आता है इसके अंदर प्रोडक्ट। सो ये दोनों ही काफ़ी अच्छे फाउंडेशन है। ये मीडियम टू लाइट कवरेज देता है, ये भी आपको मीडियम टू लाइट कवरेज देता है। अगर आप हाई कवरेज फाउंडेशन चाहते हैं, इनका जो इनविजुअल फिनिश फाउंडेशन आता है आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। सो ये दो फाउंडेशन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी और ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मैं अपने बहुत से वीडियोज़ में इनको यूज़ करती हूँ। सो या ये हो गया फाउंडेशन। एक और फाउंडेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है एम एन का डुअल फाउंडेशन। ये आपको हाई कवरेज फाउंडेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है आपकी स्किन पे। मैंने इसी फाउंडेशन को यूज़ करके ये मेकअप लुक अचीव किया है, बट ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो ये आपकी स्किन टोन का एकदम हो जाता है। सो आप इसको भी डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसमें मेरा शेड है बी और ये 100 रुपीज़ का मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था। ये एक्चुअली बीबी क्रीम है, बट आप इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई कवरेज है ये बीबी क्रीम। अगर बारी आती है कॉम्पैक्ट की, तो कॉम्पैक्ट का मेरे पास है मेबेलिन का कॉम्पैक्ट, वो मैं एक्चुअली उठाना भूल गई हूँ। मेबेलिन का वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मैं यही कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ और इसके अलावा मैंने आज तक कोई और कॉम्पैक्ट में कभी स्विच ही नहीं किया क्योंकि मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोई और कॉम्पैक्ट पर स्विच करने की। सो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। कहा है एक आपके पास कॉम्पैक्ट होना चाहिए और एक आपके पास लूज पाउडर होना चाहिए बेकिंग करने के लिए। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है बिकॉज मैं कोई जॉब नहीं करती, यूट्यूब से भी मेरा कुछ नहीं होता, तो मैं बहुत ही अफोर्डेबल और जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही मेकअप प्रोडक्ट्स रखती हूँ। तो मेरे पास केवल एक ही लूज पाउडर है, वो है ये मालियो का। इसमें जो मेरा शेड है वो है A28। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। तो एक आपके पास बेकिंग पाउडर, एक बेकिंग पाउडर मतलब एक आपके पास लूज पाउडर होना चाहिए जिससे आप बेकिंग करते हो अपने अंडर आई की एंड आप फीचर्स को हाईलाइट करते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा कितना अच्छा यहाँ पे कट आया है, जबकि मैंने कोई भी कॉन्टोरिंग नहीं किया, मैंने ब्रॉन्जर यूज़ किया है। तो अगर आप एक लूज पाउडर ले लेते हो तो वो आपके लिए वेरियस फेज में हेल्पफुल होता है, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। आपको 150 रुपीज़ का मिल जाएगा लोकल मार्केट में। बेसिकली ये अफोर्डेबल मेकअप किट है, बिगिनर मेकअप किट है। सो सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज दिस हिलेरी रोडा का 16 कलर आई शेडो पैलेट एंड द सेकेंड वन इज दिस वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। ये दो आई शेडो पैलेट हैं, ये 200 रुपीज़ की आपको मिलेगी, ये आपको 450 या 500 में जिस हिसाब से ऑफर हुआ उस हिसाब से ये आपको मिल जाएगी। ये दोनों ही बहुत ही अच्छी आई शेडो पैलेट हैं। पिगमेंटेशन दोनों का ही बहुत गजब का है, इसका पिगमेंटेशन और भी अच्छा है बिकॉज ऑब्वियसली ये वेट एंड वाइल्ड है।
इसके कलर्स इसमें आपको 3 से 4 शेड मिलते हैं। इसमें जो आई थिंक रूबी करके कोई एक शेड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सो आप उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें सारे ही यू नो बोल्ड कलर्स आपको मिल जाते हैं। बोल्ड कलर्स है लाइक रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, सारे कलर्स आपको, येलो भी मिल रहा है जिससे कि, और आपको इसमें शिमर भी मिल रहे हैं, जैसे ये आपको गोल्डन शिमर मिल रहा है। तो मैट और शिमर इसमें सारे कलर्स इंक्लूडेड हैं। 8 मैट है, 8 शिमर है। एंड ऑल्सो गाइज, इसमें बस एक निगेटिव है कि इसमें कोई भी ब्लैक और ब्राउन आई शेडो नहीं दिया हुआ, जिससे आप अपनी ब्राउज को भी फिल इन कर सकें, एंड ब्राउन आई शेडो से भी आप अपनी ब्राउज को फिल इन कर सकें, क्रीज पे लगा सकें। तो ये इसमें है, लेकिन अगर आप ब्लैक और ब्राउन को स्किप करना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी कोई आई शेडो पैलेट है, ये दो आई शेडोज हैं, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस पैलेट। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक और ब्राउन नहीं है, देन आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी पैलेट है गाइज, बहुत 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 अच्छी, क्वालिटी वाइज, क्वान्टिटी वाइज, एंड ऑल्सो इन अफोर्डेबल। आप बोलोगे 450 का है और आप अफोर्डेबल बोल रहे हो, बिकॉज ये आई शेडोज वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। मैं आपको एक बार इनका पिगमेंटेशन भी दिखा देती हूँ गाइज, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं इतना इनका तारीफ क्यों कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2, 1 शिमर और 1 मैट शेड लिया है इस पैलेट में से, और इस पैलेट में से मैं 1 शिमर और 1 मैट लेती हूँ। ये शिमर ले लिया, आप देखो मैंने इसको कितना ख़त्म भी किया है, और इसकी पिगमेंटेशन तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको बिल्कुल थोड़ा सा बहुत संभल के इसके आई शेडोज आपको यूज़ करने होते हैं, वरना ये जो है ना आपके काफ़ी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये आई शेडो। तो ये हो गया आई शेडो, 2 आई शेडो पैलेट, आप इनमें से जो भी चाहे उसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद पे बारी आती है हमारे ब्लश एंड हाइलाइटर की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये ग्लैम 21 का आई शेडो ब्राउजर एंड हाइलाइटर पैलेट। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। मेरा थोड़ा सा टूट गया है, इसको मैंने फिक्स किया था पर पता नहीं कैसे फिर से टूट गया है। तो इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे, जैसे कि पिंक, ब्राउन, आपका सिल्वर, और हल्का सा मेटालिक सिल्वर ऑल्सो। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे जिसको आप एज अ ब्लश, एज अ आई शेडो, या फिर एज अ हाइलाइटर, एज अ ब्रॉन्जर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 200 रुपीज़ की लोकल मार्केट में मिलेगी, और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको आई थिंक 250 रुपीज़ की मिल जाएगी। बहुत अच्छी ये पैलेट है गाइज, इसका पिगमेंटेशन लाइक OMG वाला है। मुझे ये हाइलाइटर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको अभी यूज़ किया है, आप देख रहे हो इसका ग्लो, मतलब आप ग्लो देखो गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी पैलेट। अगर आप इसको एक बार खरीदोगे ना, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि प्रज्ञा ने क्या रिकमेंड कर दिया, ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है गाइस। एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे इसको परचेज करना, आई लव हाइलाइटर। 21 का ब्लैक काजल, और सेकेंड वन इज़ दिस NYB का वाइट काजल। और इसके अलावा आप NYB का जो बिग एप्पल वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप SQ का भी काजल यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही मेरे यूज़ किए हुए हैं एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। करंट में जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये ग्लैम 21 का है, पर ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा मुझे NYB का लगता है, ट्रस्ट मी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द सेकेंड वन इज़ दिस। इसमें बहुत सारे आपको कलर्स मिलते हैं, लाइक ग्रीन, यू नो मेटालिक ब्लू कलर, बहुत सारे कलर्स इसमें मिलते हैं, जिसको आप ऐसा आई शेडो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इससे अपने इनर कॉर्नर को, ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हो। मैं देखो आपको अभी ब्राउ बोन को अपने हाईलाइट करके दिखाती हूँ। सी, आप इससे अपने इनर कॉर्नर को भी इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। आप देख रहे हो इसका पिगमेंटेशन कितना ज़्यादा अच्छा है। लो, आपसे बात करते करते और अपना मेकअप लुक भी करती जा रही हूँ। तो ये 2 काजल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है BB एंड CC क्रीम की। तो मैं आपको 2 BB क्रीम सजेस्ट करूँगी, एक है ये स्पिंज की BB क्रीम, दूसरा है ये पॉन्ड्स की BB क्रीम। आप इन दोनों में से किसी को भी परचेज कर सकते हैं, दोनों मेरी फेवरेट है, पर मेरी मोस्ट फेवरेट ये है। हालांकि ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है इसका, इसमें यू नो प्राइमर भी आई थिंक मिक्स आता है, और ये आपके जो स्पॉट्स होते हैं उनको कवर करता है, सन प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड कराता है। सो ये दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। इसमें भी आपके SPF होता है, प्राइमर मिक्स होता है आपके, यू नो आपको फाउंडेशन की तरह कवरेज भी, लाइट कवरेज प्रोवाइड कराता है। तो ये 2 BB क्रीम मुझे ज़्यादा पसंद है। कंसीलर की, तो कंसीलर के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, जिसमें कि मेरा फेवरेट, अगर आप मेरा कंसीलर पूछोगे तो वो है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, एंड दिस इज़ लिक्विड कंसीलर विद 5.6 ग्राम क्वांटिटी। एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 04 मीडियम बेज। और सेकेंड कंसीलर जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपको हाई कवरेज कंसीलर चाहिए, वो है ये ओलिविया की पैनास्टिक। इसमें जो मेरा शेड है वो है 01
तो आप इन दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं। ये आपको अगर हाई कवरेज चाहिए, आपको स्पॉट्स को आपको अगर ब्राइडल मेकअप करना है तो मतलब अफोर्डेबल ब्राइडल मेकअप करना है, देन आप इस कंसीलर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड कंसीलर की बात करूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा कवरेज प्रोवाइड कराता है गाइज। एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे इसको यूज़ करना, बहुत अच्छा आपको वर्क मिलेगा इसका। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक और प्रोडक्ट में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, वो है स्विस ब्यूटी का ये जेल आईलाइनर। ये काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, लोग मेबलिन का खरीदते हैं वो भी बहुत अच्छे तरह से वर्क करता है, बट मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया। इसमें एक जेल आईलाइनर और एक आईब्रो पाउडर मिलता है, तो इसमें छोटा सा मिरर भी मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। सो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये आपको आई थिंक 150 200 और 250 के आसपास मिल जाएगा, मुझे इसका एग्जैक्ट रेट याद नहीं है। सो आप जो भी चाहें, जैसा भी चाहें आप परचेज कर सकते हैं। ओके, लास्टली अब आते हैं हम लोग अपने लिपस्टिक्स के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लिपस्टिक्स के ऑप्शंस आपके लिए रखे हैं, हालांकि मेरे पास और भी ऑप्शंस है, बट मैंने उनमें से चूज करके आपके लिए अच्छे अच्छे लिपस्टिक्स निकाले हैं। हिमालयों की लिपस्टिक जो कि है ब्राउन न्यूडी शेड, एंड इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है गाइज। सी, दिस इज़ ब्राउनी न्यूडी शेड एंड मैट है, साथ ही साथ में क्रीमी भी है, तो आपके लिप्स को ये ड्राई भी नहीं करेगा। द सेकेंड वन इज़ दिस स्विस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक, ये मैजेंटा वाइन कलर है, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है गाइज। आप देखो कितनी अच्छी तरह से ये स्प्रेड होती है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, सो आप इसको ले सकते हैं। NYV की लिक्विड बुलेट लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी होती हैं, मेरे पास है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने लिक्विड लिपस्टिक्स के ऊपर। तो पहला तो है ये स्विस ब्यूटी की मैट लिप अल्ट्रा स्मूथ मैट लिक्विड लिपस्टिक, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है, और आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा नहीं कि आपके ये लिप्स पे जा कर के उसको चिपचिप कर देगी या फट जाएगी या उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, ये आपको 100 या 150 रुपीज़ की मिल जाएगी। द सेकेंड वन इज़ दिस ब्लू हेवन की एलिगेंट मैट लिप कलर, ये अभी यही शेड मैंने अप्लाई किया हुआ है, एंड ये इतनी सॉफ्ट है लिप्स पे गाइस, ऐसा लगता ही नहीं कि लिपस्टिक अप्लाई की है। मैंने NYB की ट्राई की, मुझे उसके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बट ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। सेकंड वन इज़ दिस हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, इसका भी कलर पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेकअप फिक्सर जो कि है ये स्विस ब्यूटी। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो में, सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय।